नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी थाने में सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको बताएंगे। पटना के शास्त्री नगर इलाके में ऑटो चालक के पैर में गोली मारी गई है। अब ये गोली क्यों मारी गई है ये भी हम आपको बताएंगे। भाड़े के विवाद में ऑटो चालक के पैर पर गोली मारी गई और उसके बाद फिर ऑटो लेकर अपराधी फरार हो गया। ऑटो चालक को पैर में गोली लगी है जिसका इलाज IGMS में चल रहा है। आपको बता दें कि पटना के शास्त्री नगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और पटना के VIP इलाकों में ऐसी वारदात होती है। थाने से महज कुछ ही दूरी पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर VVIP इलाके में इस तरह की वारदात होती है, आम जनता अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी, ये बड़ा सवाल है। कॉलोनी में एक आदमी को टेम्पो ड्राइवर था, उसकी गोली मार दिया। अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रहा है। ठीक है, वो आदमी ठीक है जिसको गोली लगा है? ठीक है। अभी क्या नाम है सर? जितेंद्र कुमार। कैसे घटना हुई थी? जमुई का रहने वाला। कैसे घटना हुई थी? ऑटो लेके भाग गया क्या? ऑटो लेके चला गया। अभी कोई पकड़ाया है सर? पकड़ा जाएगा जल्दी।